फतेहपुर खागात कस्बे में इन दिनों बिजली विभाग अभियान चलाया है कि जिसका बकाया बिल नहीं जमा कनेक्शन काटो। खागा कस्बे में अतिक्रमण हटाने के बाद बिजली विभाग के खागा टाउन के जय श्याम सुंदर ने उच्च अधिकारियों के दिशा निर्देश के अनुसार बिजली विभाग की टीम के साथ टाउन के घर घर जाकर बिजली चेकिंग अभियान चलाया, जिसका बकाया राशि देखा तो उसका बिजली कनेक्शन काट दिया जा रहा है और टीएस भरवाने की सलाह देते हैं। इसके बाद कनेक्शन जोड़ने के कहा जा रहा है और देखा जाए तो काफी बिजली उपभोक्ताओं को सुविधा भी मिल रही है, जैसे ब्याज दरों को घटाकर बिल जमा करने के लिए कहते हैं एक मुश्त भुगतान करने पर, और वही जिनके घरों की लाइट कट गई है और घरों में अंधेरा होने के कारण दूसरे दिन जरूर रोटियां भरवाने पहुंच जाते हैं उपभोक्ता। इस तरह से बिजली विभाग ने भारी मात्रा में बिजली बिल वसूली कर रहे हैं। आइए सुनाते हैं क्या कहते हैं टाउन जय श्याम सुंदर जी। संजय पटेल की रिपोर्ट, खागा फतेहपुर। ये लाइट कनेक्शन जो कटिंग चल रहा है, अभियान चल रहा है, ये इसका क्या मेन मकसद क्या है? मेन मकसद यानी जो छूट चल रही है जी, 15 तक हमारा अभियान चलेगा जी। हाँ, ओटीएस रजिस्ट्रेशन कराने के लिए जी, 30% रजिस्ट्रेशन होगा जी और सरचार्ज पूरा माफ हो जाएगा, इसलिए जो उपभोक्ता नहीं जमा कर रहे हैं उनकी लाइनें काट दी। अच्छा, जिनका बिल नहीं जमा है उनकी लाइनें काट दी। अच्छा, इसमें कुछ सौभाग्य वाले वो भी कनेक्शन है जिनके यहाँ मीटर नहीं लगा है, उनके लिए क्या करते हैं? उनके लिए उनका फॉर्म जमा किया जा रहा है, उनके यहाँ से मीटर नहीं लगा है जी, लाइन नहीं काट जाएगी, उनकी जो मीटर आएगा जी लगवा दीजिए, लाइन नहीं काट जाएगी, लाइन नहीं काट जाएगा। आपका सुपरचय? श्याम सुंदर। और अच्छा, अभी तक कितने कनेक्शन जो है ऐसे अवैध पाए गए हैं जिनको कटिंग की गई हो? अवैध नहीं जी, जो बकायेदारी है वो कट रहे हैं जी जी। अब बकायेदारी जब बाकी है, बिल नहीं जमा कर रहे तो वो अवैध तो ही हुआ ना? नहीं नहीं, अवैध अलग होता है, अवैध जैसे चोरी करा है डायरेक्ट करना जी जी, कनेक्शन नहीं। क्या ऐसे कुछ कनेक्शन मिले हैं क्या जो कनेक्शन ना होते हुए भी जो है चला? टाउन में तो ऐसे बहुत कम ही लोग हैं।